उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? थोड़ा एक विषय हमारी 5 सूत्रीय मांगी हैं। सबसे प्रमुख मांग है कि हमारी रेगुलर कर दिया जाए इस कोर्स को। उसके बाद में परमानेंट फैकल्टी है, हॉस्टल फैसिलिटी है जो 10 साल से हमें दी नहीं जा रही है, BCI का रिकॉग्निशन है कि और इस बार एडमिशन हो, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। इसके साथ मेरे 5 वर्षीय विधि महाविद्यालय साथ 3 ईयर इवनिंग CCT डिपार्टमेंट, हम तीनों डिपार्टमेंट को इस बार बंद किया जा रहा है। केवल एक ही मांग हमारी कि शिक्षकों की भर्ती की जाए ताकि ये तीनों कॉलेज चले, BCI एफिलिएशन दे और हमारे एडमिशन हो। यूनिवर्सिटी प्रशासन को जब बोला तो उन्होंने 1 महीने पहले मैंने मेंशन किया तो उन्होंने कहा कि 1 महीने में हम आपको जवाब दे देंगे और 1 महीने में आपको एडमिशन हो जाएंगे। आज 1 महीना हो गया, मैं कल गया तो कल परसों भी गया, मैं 11 तारीख को भी जाके मैंने ज्ञापन दिया तो इन्होंने ऐसे कहा कि हम कर देंगे। 16 तारीख को मैं ज्ञापन देके मैं बैठूंगा, तब ये 17 तारीख को मैंने टेंट की परमिशन मांगी। यहाँ पर बैठने के बाद में कल मैं पूरे दिन धूप में बैठा रहा, टेंट की परमिशन मांगी तो उन्होंने कहा कि हमें बताया नहीं, हम टेंट की परमिशन यहाँ पर आपको देंगे नहीं। कल मैं पूरी दिन कड़ी धूप में बैठा, तब भी यहाँ पर बैठा था, पल 7:30 अंदर बैठे रहे। ना तो मेरे को टेंट की परमिशन दी, ना कोई इसका आश्वासन दिया कि तुम्हारा काम होगा नहीं होगा, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। केवल पुलिस का दबाव दिया, कल शाम को पुलिस का नोटिस भी आ गया। केवल पुलिस का दबाव बनाया जा रहा है, हमें उठाया जा रहा है।